नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी एनएचएम एनएम 5000 पोस्ट 2971 पोस्ट शेष बचे जिले के रिजल्ट और नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना। संशय में अभ्यर्थी हैं जिस जिले का रिजल्ट नहीं आया है और जो अभ्यर्थी नियुक्ति पा चुके हैं उन लोगों के मन में क्या संशय, मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। फर्जीवाड़े के चक्कर में क्या शेष बचे जिले के रिजल्ट लटके या फर्जीवाड़े के चक्कर में कुछ जिले की नियुक्ति प्रक्रिया जो है रुकी हुई है। नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थी पर क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, जो अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र पा चुके हैं, ज्वाइनिंग कर लिए हैं, अपनी ड्यूटी पर जो है काम में लग गए हैं, क्या उस पर इनका प्रभाव पड़ेगा या भर्ती रद्द की जा सकती है। तो दोस्तों यह सब मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो मैं यह आप लोग को न्यूज बता रहा हूं दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मैं बता रहा हूं कि जो शेष बचे हुए जिले का रिजल्ट है, हां मैं आपको बताऊं कि कुछ जिले में फर्जीवाड़ा हो रहा था, कुछ जिले में जिन अभ्यर्थियों का गुणांक अच्छा था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ और कुछ अभ्यर्थियों का जो है गुणांक कम होने के बाद भी जो है उनका सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में नाम है। तो मैं वही चीज आप लोग को बताने जा रहा हूं कि फर्जीवाड़ा कुछ चल रहा था जिसके चक्कर में जो है रिजल्ट, जो शेष जिले का रिजल्ट बचा है, लगभग 24 जिले का रिजल्ट जो है बचा हुआ है आपका, यह 24 जिले का रिजल्ट जो बचा हुआ है वह यही सब कारण है दोस्तों। जबकि अप्रूवल भी मिल गया था, अप्रूवल मिलने के बाद कुछ अभ्यर्थी जो है इस पर जो है विवाद उठा दिए थे, तो जिसके कारण कुछ शेष जिले का जो रिजल्ट बचा, जो मैं बता रहा हूं दोस्तों रियल ऑथेंटिक न्यूज बता रहा हूं आप लोगों को, इसी फर्जीवाड़े के चक्कर में जो शेष बचे जिले का रिजल्ट है वह रुका हुआ है, जबकि अप्रूवल मिल चुका है। इन सभी जिले का रिजल्ट जो है एक बार जो है चेक करने के बाद 10 मार्च के बाद जो है शेष बचे के जिले का रिजल्ट घोषित होगा। और जो कुछ जिले ऐसे बचे हैं जहां पर अभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है, कुछ जिला है जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ, बस्ती जिला हुआ जैसे, और देवरिया हुआ आपका, और इधर बलिया वगैरह, ये सब जो है अभी कुछ जिले में क्या हुआ है कि नियुक्ति पत्र नहीं दिए हैं। क्यों नहीं दिया गया है, वहाँ पर कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जिनका गुणांक जो है 73-74 के लगभग था और उनका चयन ना हुआ है, और 68 गुणांक और 65-66 गुणांक वाले का जो है हो गया है। तो यही सब देखने के बाद जो है अभ्यर्थी जो है उस पर विवाद खड़े कर दिए हैं। अब अभ्यर्थियों के मन में यह है, जो अभ्यर्थी ड्यूटी कर रहे हैं, अपनी ड्यूटी पर जो है लग गए हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल गया है, अब वो लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इस सब चक्कर में, कहीं ऐसा ना हो कि इस फर्जीवाड़े के चक्कर में भर्ती प्रक्रिया जो है रुक जाए या भर्ती रद्द ही कर दी जाए। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक जितने जिले का रिजल्ट घोषित हो गया है, बहुत से जिले में नियुक्ति पत्र मिल भी गया है, बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं कि ड्यूटी भी कर रहे हैं, तो आप लोग एकदम घबराएं ना, जो शेष बचा है जिले का रिजल्ट वो जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा। चुनाव और आचार संहिता और प्लस कोरोना के चक्कर में जो है यह सब भर्ती प्रक्रिया में थोड़ा देरी हुई है, नहीं तो यह भर्ती प्रक्रिया दोस्तों मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जनवरी में ही कंप्लीट, लास्ट जनवरी तक ही जो है इसका प्रोटोकॉल में ये था कि लास्ट जनवरी तक कंप्लीट करने का। तो इसके बाद दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा यूपी SSSC एनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के लिए, उसके भी बारे में आप लोग को बताऊंगा, उसके लिए भी महत्वपूर्ण सूचना है, लेकिन इस वीडियो में मैं एनएचएम से संबंधित ही बताया हूँ। जो बताया हूँ दोस्तों आप लोग एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए, कुछ भी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है। जिन अभ्यर्थियों के मन में संशय है वो अपने मन से एकदम इस संशय को निकाल दें, नियुक्ति पा चुके हैं, अपना ड्यूटी करें और इस सब चक्कर में ना रहें। तो दोस्तों जो होगा वह तो विभाग की तरफ से जो होगा वो अच्छा ही होगा, अप्रूवल मिल चुका है, और बहुत से अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट बदलने के बाद या गवर्नमेंट कोई दूसरी आती है तो भर्ती प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों कोई प्रक्रिया पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, भर्ती प्रक्रिया जैसे है वैसे चलती रहेगी। यह पहले से जो है रिलीजिंग जो नोटिसफिकेशन है, जो पहले से हैं आपकी भर्तियां, वह कोई भी नहीं रुकेंगी, सभी भर्तियां होंगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में जो बताया हूँ रियल और ऑथेंटिक न्यूज आप लोग को बताया हूँ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।